हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी डेली क्लास रहती है शाम 7 बजे, जिसमें हम एग्रीकल्चर के 20 क्वेश्चन करते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन है सरसों उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम, तृतीय, पंचम, इनमें द्वितीय। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा प्रथम है। सरसों उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन है सरसों किस वनस्पति कुल का पौधा है, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, ग्रेमिनी, लेग्यूमिनेसी। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्रूसीफेरी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सरसों किस वनस्पति कुल का पौधा है, तो क्रूसीफेरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सरसों के फल को क्या कहते हैं, पोड, दाना, शिलिकुआ, कैरियोपसिस। तो थ्री नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शिलिकुआ बोला जाता है, सरसों के फल को शिलिकुआ बोलते हैं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सरसों की फसल में प्याजी की रोकथाम के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, फ्लू क्लोरिन, क्यूनोलफोस, मेकोजेब 2,4-D। तो चार नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्लू क्लोरिन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्लू क्लोरिन का प्रयोग करते हैं सरसों की फसल में प्याजी की रोकथाम के लिए, खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं फ्लू क्लोरिन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सरसों की उन्नत किस्में कौन सी है, पूसा बोल्ड, पूसा कल्याणी, बायो 902। तो फाइव नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ डीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फाइव नंबर क्वेश्चन में ऑल ऑफ डीज आपका राइट आंसर होगा, सरसों की जो किस्में हैं पूसा बोल्ड है, पूसा कल्याणी है, बायो 902 है, सारी की सारी उन्नत किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छः नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सरसों की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, सरसों की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, ऑप्शन है NRCSV 502, NRCSV 505, NRCSV 506 और वसुंधरा। छः नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा NRCSV 506, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सात नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1960, 1987, 1919, 2000 में। सात नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 1987, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सरसों के तेल में दुर्गंध किस खरपतवार के बीज मिलने होने से होती है, सरसों के तेल में दुर्गंध किस खरपतवार के बीज मिले होने से होती है, ऑप्शन है फेलेरिस माइनर, सत्यानाशी, कंटेली, गोखरू। तो आठ नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सत्यानाशी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नौ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है, धान, गेहूं, आलू, तंबाकू। तो नौ नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आलू, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है, तो आलू में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दस नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सभी जीवन क्रियाओं के लिए उपयुक्त तापमान है, 20 डिग्री से 30 डिग्री फारेनहाइट, 100 डिग्री से 120 डिग्री फारेनहाइट, 40 डिग्री से 60 डिग्री फारेनहाइट, या फिर 80 डिग्री से 100 डिग्री फारेनहाइट।
तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 40 डिग्री से 60 डिग्री फारेनहाइट सभी जीवन क्रियाओं के लिए उपयुक्त तापमान है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है स्थान की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है तापमापी, दाबमापी, वेगमापी, तापलेखी। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दाबमापी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। स्थाई मालानी बिंदु कितने बार पर होता है? 0.33 बार, 15 बार, 31 बार, 1000 बार। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 15 बार। स्थाई मालानी बिंदु 15 बार पर होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है समेकित उर्वरक प्रबंध से रासायनिक उर्वरकों में कमी की जा सकती है 20% की, 30% की, 40% की, 50% की। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 40%, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 40% की कमी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोटेक। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आइसोथर्म, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। समोच्च जुताई में भूक्षरण कितने प्रतिशत कम किया जा सकता है? 8%, 20%, 50%, 60%। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 50%, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है लिस्सा के प्रयोग का संबंध है आधुनिक खेती से, कार्बनिक खेती से, संस्य वानिकी से, तालाब में मत्स्य पालन से। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बनिक खेती से, लिस्सा। लिस्सा का संबंध किससे है? कार्बनिक खेती से, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे अधिक गहराई में पानी निकालने का साधन कौन सा है? चरस, रहट, ट्यूबवेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो जो ट्यूबवेल है वो सबसे अधिक गहराई से पानी निकालने वाला एक साधन है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी मानी जाती है? चिकनी, दोमट या जलोढ़, रेतीली, सिल्लट। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा, 18 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोमट या जलोढ़, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी मानी गई है? दोमट या जलोढ़ मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे ज़्यादा आनुवांशिक शुद्धता कौन से बीज में होती है? प्रमाणित बीज, आधार बीज, मूल केंद्र बीज, उपरोक्त कोई नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मूल केंद्रक बीज को सबसे ज़्यादा आनुवांशिक शुद्धता होती है, सबसे ज़्यादा आनुवांशिक शुद्धता है वो मूल केंद्रक बीज में होती है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म है? यूपीएस 120, पूसा अगेती, प्रभात, टाइप 121। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा प्रभात, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म कौन सी है? तो प्रभात है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।